हाँ जी, क्या हाल चाल, जय श्री राम। तो फिलहाल मैं स्वागत करता हूँ सबका आज के एक नई ब्लॉग के अंदर। सो गाइस, ये हमारा तीसरा ब्लॉग है इस सीरीज का और तीसरा दिन है आज हमारा उत्तराखंड में। तो फिलहाल आज होने वाली है मेन शादी, तो ऐसा भी कह सकते हैं आज हमारा साइकिल लास्ट डे है। कल हम यहाँ चल जाएंगे शाम को, और आप लोगों ने थंबनेल वगैरह पे देख लिया कि आज मेन क्या है, ये हमारी बुआ है और इन्हीं की लड़की की आज शादी है। इधर देखो, कहाँ जा रहे हो तुम, कैसा लग रहा है आज आपको? अच्छा लग रहा है। और बताओ फिर, ये काम धाम कुछ करते नहीं है, कुछ काम धाम बोलो। मेरी बहू ये देखो, भागी 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 कॉफी इतना हमारा, ये देख लो गाइस पौष्टिक आहार। सो गाइस, फिलहाल कल हम लोग गए थे एक्टिवा से नहाने के लिए। नहाने में वही मजा आता है, पता है यहाँ पे वॉशरूम भी है, पानी भी है, पर ना कितनी देर वेट कर लेगा बंदा, अपना आधे दो घंटे में जाएंगे। वहाँ पे झरना है, वहाँ पे झरना है और नीचे मतलब तुमने देख ही लिया कि क्या है वहाँ पे, जिसने नहीं देखा देखना, ठीक है, आई बटन पे आ रहा होगा लिंक, जाके देख लेना उसे भी आराम से। सब लोग यहाँ से हम लोग जा रहे हैं, कल एक्टिवा में, कल हम कम लोग थे तो इसलिए कल हम एक्टिवा में चले गए थे और एक्टिवा कम है, सामान लेने के लिए गई थी एक्टिवा, इस करके हम लोग यहाँ पे पैदल पैदल जा रहे हैं, जाएंगे नहा धो के। तो आ गए हैं मित्रों दोबारा से हम लोग नहाने के लिए। ये देखो यहाँ पे शैम्पू तुम्पू लेने जा रहे हैं, मस्त। तो गाइस बहुत देर से हम लोग जा रहे हैं, ठंड हो गया बहुत ज्यादा यहाँ पे, और जैसा सोमवार है यहाँ पे शिव जी भी हैं, शिव जी को भी जल चढ़ाएंगे यहीं से लेके। तो गाइस फाइनली हम लोग नहा वगैरह धोते हैं अच्छी तरह से और अब हम जाएंगे यहाँ से वापस अपने अपने घरों की तरफ। तो अभी नहाता हूँ ले आई है और जिया जी और ऊपर जा रहे हैं, फिर बच्चे ऊपर जहाँ पे ज्यादा पानी है ना, ये छोटा है इसको हम वहाँ पे लेके जा नहीं सकते, इसकी हाइट तो इतनी है नहीं कि इस पानी के अंदर रह सके, मतलब ज्यादा बड़ा पानी है। तो वहाँ से हम उस पानी में नहाएंगे अब यहाँ से जाके, मैं तो क्या ही नहाऊंगा, मैंने नहा लिया पूरी बना दिया, मेरे को ठंड हो गई, बाकी बात है मजा आ गया यहाँ पे नहा के, हमने नहा लिया। अब जो और लोग भी यहाँ पे नहाने के लिए आए हुए देख लो तुम लोग, अभी हम लोग ऊपर जाएंगे, ऊपर वो लोग ऊपर चले गए नहाने के लिए, जब पहले बोला था तब नहीं गए, अब चले गए, मेरे को ठंड लग गया, मैं नहीं नहाऊंगा, मेरे होंठ भी काले हो गए। ये तो गाइस लीची के पेड़, तुमने तो कभी देखे नहीं होंगे लीची के पेड़, सारे लीची आम यहाँ पे पेड़ बहुत है, एक बात है आम इतना आम है ना, आम मतलब इसकी जितनी हाइट है ना इतनी नीचे नीचे आम उड़ते हैं भाई, हमारे वहाँ इतने ऊंचे ऊंचे होते हैं ना, और पके हुए, मैंने पका हुआ आम खाया था कल सबसे पहला है। ओ भाई सेल्फी कैमरे से भी अच्छा दिखता है, मैं तो नहा चुका अपना आराम से, बस इनके कपड़े ये लोग यहाँ नहा नीचे आ जाओ, आप कहाँ आया पागल है क्या, क्या आप व्यू कर रहे हैं, देख रहे हैं देख रहे हो, अभी घर जाके यही बोलेगा कि मेरे को ठंड लगी ठंड लगी, अभी पैर से मेरे को भूख लगी है ठंडी खाने, है तो स्नैपचैट वाला ही तू ए रिप्ले आ। सो गाइस ये मेरे भिज्जू हैं, आज आपकी बेटी की शादी है, कैसा लग रहा है आपको? मस्त, आज तो सबसे हैंडसम यही लग रहा है, देखो तुम के देखो। बुआ के हुआ जीजू। आपके कौन है? जीजू। जीजू। मस्त लग रहा है एकदम, और ये देखो एक ही नंगा बंगा नंग धड़ंग। तो गाइस फिलहाल हमारी दुल्हन यहाँ पे आ चुके हैं, देखो दीदी सज धज के आ चुके हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं, और एक चीज दिखाऊं आपको मैं, कितना ज्यादा मेकअप है समझ रहे हो, मतलब एक बार ऐसे कर रहे हैं। दीदी आज आपकी शादी, आपको कैसा लग रहा है? आप ही देखो बाद में उनको, चलो स्नैपचैट वालों को यहाँ पे फोटो खिंचवानी थी, इसलिए फोटो खिंचवा रहे थे हम लोग यहाँ पे, सामने सामने मेरा लगा रहा है, सामने दीदी का फोटो शूट हो रहा है। तो गाइस यहाँ पे मंगल गीत स्टार्ट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं अभी बारात आने वाली है, तो लोग लगभग लगभग इकट्ठे हो चुके हैं, ये सारे घर वाले बारात दरअसल ना यहाँ पे आ चुके थे, चलो ये बारात आ चुकी है। तो गाइस यहाँ पे पीठा लगा रहे हैं, इससे ना क्या होता है कि हमारे यहाँ पे वाओ में मतलब दुल्हन की आधी शादी हो जाती है, इसे कहते हैं टीका लगाना, जिसमें लड़की के और लड़के के दोनों के घर वाले होते हैं और फिर टीका लगाते हैं, अभी देखो टीका लगाएंगे। और यहाँ पे जो अम्माएँ होती है ना वो मंगल गीत गाती है हर एक इवेंट। सो गाइस जैसे क्या होता है आपने देखा होगा जब दुल्हन को लेके जाते हैं स्टेज पे, तो उस टाइम पे हम लोग क्या करते हैं उनके सिर पे एक कुंडी रखते हैं, तो हमारे वहाँ रखते हैं इसको, इसे कहते हैं पिछोड़ा, ये पहाड़ का होता है, मतलब इसके अंदर ना इसको बहुत ज़्यादा वो माना जाता है, धार्मिक माना जाता है, जब भी हमारे यहाँ थोड़ी भी अच्छा काम होता है मतलब शुभ काम हो रहा है उस टाइम पर इस पर यूज किया जाता है। अभी जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो जितने भी लोग होंगे ना, मैक्सिमम लोग जो असली कल्चर वाले हैं उन लोगों ने पिछोड़ा डालना होगा ऐसा, और पूरी तरह से डालना होगा, ये लोग तो फैशन में है थोड़ा बहुत ऐसे, एक बार इतना वो तो दिनों चढ़ी, ये देखो गाइस ऐसे भी डाला जाता है पूरा पिछोड़ा ऊपर तक अच्छी तरह से, ये देखो गाइस वैसे तो सारे हैंडसम लग रहे हैं, पर ये देखो पर इस समय कहां से आ गया, ऐसा नहीं बोलना भाई, ऐसा नहीं बोलना भाई, भाई ऑन कैमरा ऐसे मत बोलो, ऑफ कैमरा बोल लेना भाई, पता है क्या कहीं पे मैं साइलेंट होता हूं ना तो मैं मीम भी लगा देता हूं वहां पे,
ये भैया हमारे सबसे ज्यादा हैंडसम स्मार्ट सेलिब्रिटी, और इन्होंने गाने कौन से गाने कहता क्यों लड़ी क्यों लड़ी गाने का सीन है वो मैंने सुना। तो गाइस फाइनली आप बरात आ चुकी है। यहाँ पे दीदी और सारे तैयार है जूते चोरी करने के लिए। फैस मारे रे पैसे दे दे भैया पैसे दे दिया हो गया सेट एंड वेट हो गई। आप कटेगा रिबन गाइस यहाँ पे होगा मेन शादी यहाँ पे होगी। और ये जो जगह होती है ना यहाँ पे कहते हैं कि भगवान आ जाते हैं एक टाइम के लिए, क्योंकि सभी भगवानों का नाम लिया जाता है शादी के अंदर। तो इसलिए यहाँ पे ना वैसे जूते वगैरह लेके नहीं जाना चाहिए चमड़े के। तो अभी देखना जूते उतारे जाएंगे, देख जूते उतारेंगे ठीक है। जूते संस्कृति पर बाकी लोगों को नहीं पता, बाकी लोग सारे यहाँ जूते लेके चढ़ेंगे। अब जैसे कैमरा मैन हो गए वो भी जूते लेके जाएंगे, कुछ लोग और भी जो होंगे क्या जूते लेके जाएंगे। अब यहाँ पे जैसे दूल्हे के ना पैर धोते हैं यहाँ। अब इनको यहाँ बिठाया जाएगा देखना। ये जहाँ पे लड़का खड़ा हुआ है उसके पैर पे वो देखो, ये देखो नीचे देखो जहाँ और खैर जिसके हाथ में छतरी है उसके पैरों के पास है दोनों जूते हैं। हाँ हाँ ब्लैक वाले जो सुन वही सुन। अभी ऐसे जूते चुराने जा रहे हैं पूरा सिगरेट में लड़का बैठा है उसको, इसको समझ में तो आ गया थोड़ा थोड़ा मुझे लग रहा है ये जूते चुरा रहे हैं। अब इनको इतनी फुर्ती दिखानी पड़ेगी। प्लान बना के चल रहे ना। लो जी हो गया कांड हो गया। चलो जी हाय गवा हो गया कॉन्ग्रेचुलेशन। ये देखो गाइस आप मेरे को इसके 1500 रुपये मिलेंगे ना, ना 500 रुपये मिलेंगे ना, 1000 दोगे देख लो जवान है जवान। जितने मिलेंगे उसका एक उसका 5% मेरे को दे देना। हाँ 200 रुपये 1000 मिलेंगे 200 चलो ठीक है दे देना उतने मेरे को। वीडियो भेज दूंगा पर दे देना को, मैंने बताया तुम्हें जूते कहाँ थे। ये देखो गाइस ये कुत्ता हो के नागिन डांस कर रहे हैं हमें, और यहाँ पे मेन हमारा टेंट लगा है जहाँ पे सब बरासी वगैरह खाना वगैरह खा रहे हैं। फिर डांस हम भी कहेंगे थोड़ी देर में भी पानी वगैरह की जेब करी। तो गाइस अब यहाँ पे सब लोग आइसक्रीम बांट रहे देख लो आप लोग पूरे भीड़ आ रही है भाई सिटी में ऐसे भीड़ है यहाँ पे। तो गाइस ये चल रही है यहाँ पे फोटोशूट चल रहा है भैया दीदी और जीजा जी का। सो गाइस अभी हमें यहाँ पे दीदी को लेके जाना है इस वाली चुनरी में, ये जो हमारा बताया था अभी आपको थोड़े चैनल वहाँ पे दीदी है वो आएगी। दीदी बेचारों को इनको इनमें से कुछ लोगों इन गानों का पता भी नहीं बताया। वैसे गाइस मेरे को आज पता चला कि एक फोटो स्टेज पे जाके खिंचवाना कितना बड़ा काम होता है। इतनी देर ना मैं पेपर के लिए भी लाइन में निकला, जितनी देर यहाँ पर खड़ा मैं यहाँ पे लाइन में कि भाई फोटो खिंचाने को पहले क्या फायदा मेरा सेलिब्रिटी बनेगा। ठीक है नो ब्रो यू कांट। ये देखो ये कह रहे हैं मेरे को एक्ट्रेस बनना है। अच्छा तो मेरे को याद आ गया था कि मैं ब्लॉगर हूँ तो मैं तो खाना खाते हुए वीडियो बना ही लेता हूँ। हमने वैसे तो पंखा लगा रखा है पर यहाँ पे प्राकृतिक यहाँ पे सब लोग नहाते हैं अपना। तो अभी हम अभी ना यहाँ पे दूल्हा दुल्हन खा रहे हैं वो बात अलग है कि यहाँ पे दो दो बार लोग खाने की बात नहीं तीसरी बार खा रहे पर अभी मेनली यहाँ पे दूल्हा दुल्हन खा रहे हैं। ये देखो ये आइसक्रीम के चक्करों में है सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे। अगर किसी ने पहली बार आइसक्रीम देखी हो तो ऐसा होता है, इनकी शक्लें देख लो इन्होंने पहली बार सुबह से यही आइसक्रीम बांट रहा था और इसने खाई नहीं। इतना झूठ कितना बोलता है, तूने हाथ घुसा कैसे नहीं खाई सीधा, इनको पता नहीं लोगों को। ये देखो पांच इन्होंने एक डब्बा पूरा का पूरा खत्म करा था इन्होंने और क्या और क्या। इन सब लोगों को फेमस होना इसलिए कह रहे थे व्लॉग बना ले तो मैं सोचा बना ही लेता हूँ। गाइस ये आइसक्रीम है तुम लोगों ने तो कभी देखी नहीं होगी, आज देख लो पेट भर के खा रहे हैं। आरसी वालों भाई हमें आरसी वाले दिखा दे देखो देखो ए ओ ओ
ये ओए उठाए दो तीन ना ना रे ना अपन विजय लीजिए ले आ रहा हूँ। सो गाइस यहाँ पे कन्या का सो गाइस यहाँ पे कन्यादान की प्रक्रिया शुरू हो रखी है। देखो आप लोग पहले मेरा आएगा इसलिए इधर देखो ज्यादा जरूरी है। सो गाइस अभी यहाँ पे कन्यादान हो रहा है और इसमें क्या होता है जो ये बोल रहे होते हैं ना उसको ध्यान से सुनना होता है। शादी में आने का मतलब सिर्फ खाना खाने से नहीं होता, ये भी होता है कि क्या हो रहा है। यहाँ पे कन्यादान में क्या होता है कि जो गोत्र होता है ना वो ट्रांसफर होता है, तो उस कारण उसमें जो जो चीजें हो रही है मतलब जिस गोत्र में जा रहे हैं किसी को कोई दिक्कत है तो बोल सकते हैं यहाँ पे। मतलब इसका ये मतलब होता है सब लोग शांत होकर सुनते हैं। डीजे में नाचना खाना खाना शादी नहीं होती, हर चीज को ध्यान से देखना होता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो गाइस अभी मैं आपको एक चीज़ बताऊं, ये भैया आप लोगों को बहुत कम लोग याद होगा, क्या याद कहा होगा सब ऑडियंस बदल चुकी है पूरी। एक टाइम पे हम गए थे पुण्यागिरी, उसका ब्लॉग ऊपर आई बटन पे आ रहा होगा आपको। उस टाइम पे भैया हमारे मतलब गाड़ी इनकी गाड़ी में गए थे हम लोग और अभी उन्होंने एक बार में पहचान लिया मेरे को। देखा कितना फेमस हूँ। क्या करें, और भाई के भाई तीन गाने आए हैं, भाई को फुल सपोर्ट होना चाहिए। मेरा चैनल का नाम है गीतेश गुरु ऑफिशियल। हाँ गीतेश गुरु ऑफिशियल नीचे लिख भी दूंगा मैं, जाके सब्सक्राइब वगैरह कर लेना चैनल को और गाने हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके अब गाइस यहाँ पे पिछोड़ा वगैरह पहनाया जा रहा है उनको और हो चुका है लगभग कन्यादान सब कुछ। ये नाद है नहीं इसके रील बनाने को देखो इसे। ले भैया हम थोड़ा इधर उधर क्या जाते हैं, शादी खत्म हो जाती है। होगी भाई शादी गाइस अभी यहाँ पे ना दीदी को मुकुट पहनाएंगे देख मैं। ये फेरे लेंगे इसलिए फेरों के लिए ये है। ये मेन मुकुट होता है जो कि दूल्हे के पास भी ऐसा सही होगा पर और ऐसे ही दुल्हन के पास भी होगा। और इनमें ना भगवान की स्थिर जैसे गणेश भगवान हो गए या विष्णु भगवान हो गए कृष्ण भगवान हो गए देखो जैसे ये अद्दी में ड्रोन लगा दिया गाइस मैंने, ड्रोन व्यू देखो यहाँ से। फोटोज वगैरह खिंचवाएंगे यहाँ पे, तुम्हें पता है ना फोटो खिंचाना इज वेरी इंपॉर्टेंट दीज डेज। वैसे फोटो खिंचवाने से एक फायदा हो जाता है, अपनी मेमोरीज जो है ना वो स्टोर हो जाएंगी हमारी अच्छी तरह से। और देख लो कहाँ तक टेंट लगाया था उधर तक। अभी सब मेजर चीजें खत्म हो चुकी है, अब हम यहाँ से जाएंगे नीचे। सॉरी मतलब अभी थोड़ी देर में हवन होगा, हवन के अंदर ही जो साथ खड़े होते बोले में बाकी चीजें आप आगे। बुढ़िया आप भी फोन नीचे करो या तो उस साइड चले जाओ, आप लोग बना रहे हो तो वीडियो या तो मेरी तरह कैमरा मैन के पीछे रहो। गाइस खेल पकड़ने शुरू हो गए गंदी होती है, बूढ़ा हो गया फिर वेरी गुड। सो गाइस शादी लगभग लगभग संपन्न होने वाली है, यहाँ पे फेरे वगैरह हो चुके हैं और अब बस खत्म ही है। हमारे कैमरामैन साहब की कमर दुख गई है, इनकी भी उम्र हो चुकी है ना, बुजुर्ग हैं, अम्मा के साथ बैठना होंगे। जूम बहुत तगड़ा है मेरा देखो 10x अच्छा दिख रहा है। चलो भैया विदाई होगी हमारी सुबह। वो दीदी कह रही है तू तो रो रही नहीं, मैं ही रो लेती हूँ बेट। जा जा तुझको सुखी संसार मिले। भाई कभी यू कैन डू इट ब्रो
ओनली यू कैन क्राई। बाबुल की दुआ काहे खफा ऐसे डूबुल डूबुल काहे आंसू माने गाइस मिशन तो कंप्लीट हो गया पर बहुत बुरा लग रहा है। अरे आप डांट नहीं मारो। अरे क्या हो गया? हो गया। तो गाइस हमारे ड्राइवर साहब यही हैं अभी भी। बाय। ध्यान से लेके जाना हमारी दीदी को। फोन कर दूंगा घर पहुंच। हाँ घर पहुंच के फोन कर देना अच्छी तरह से कि पहुंच गई दीदी। ठीक है ओके भाई। तुम कहाँ चला? अच्छा बस में जाओगे? ओह आते आए कैसे थे? अच्छा अच्छा उस टाइम पे जगह होगी मतलब। चलो ठीक है फिर ध्यान रखना भली गन है। फोन कर देना जाके हैं? हाँ जी हाँ जरूर बताएंगे। बिल्कुल डाड़ी मारो का सब भाई डाड़ी और जीत मार रहे आज। मैं तो भूल गया था मैं हिंदी में ब्लॉग बनाना था फिर दुआड़ी रोड लग गया। अरे खुशी और गम में इंसान अपने जो बदटक होते हैं वो वही था। अरे कहना क्या चाहते हो? तो गाइस अब फिलहाल सारी शादी खत्म हो चुकी है और देख लो सब लोग चले गए। यहाँ के जो गाँव वाले थे वो भी चले गए। ये देखो ये लोग भी अपने अपने घर जा रहे हैं। कोई कुछ यहाँ अंताक्षरी वगैरह खेलने चलो क्या कहते हैं। तो फिलहाल अभी कल वीडियो का एंड बॉक्स में आपको ब्लॉग बहुत पसंद आया होगा। अगर कुछ होता है तो बीच में डाल देता हूँ। मिलता है सीखने वीडियो सबसे के लिए। जय श्री राम।